पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम का खत, उसका आठवां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी चौदहवीं आयत के आखिर तक हम खुदावंद के कलाम में से तलावत को सुनेंगे। पाकलाम में यूं मरकूम है, बस अब जो मसीह यसु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसीलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हमें पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसीलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है मगर रूह रासबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यसु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर है तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों के और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसीलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे जीजो, आज हम जिस पैगाम को सुनने वाले हैं उसका मौजू है कि रूहुल कुद्स का हमारी जिंदगी, जिंदगी से मुराद रूहानी और जिस्मानी जो हमारी जिंदगी है, रूहुल कुद्स का हमारी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में क्या किरदार है। आज के इस दौर में जब हम रूहुल कुद्स की बात करते हैं तो एक ईमानदार होते हुए सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि हम रूहुल कुद्स को और उसकी कुदरत को नजरअंदाज करके अपने आप को मसीही नहीं कह सकते। अगर कोई मसीही है तो वो खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस पर क्या रखता है? ईमान रखता है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मसीही कहता है और वो रूह कुदस का और उसकी कुदरत का इनकारी है, वो रूह कुदस को खुदा मानता ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो ईमानदार या मसीही नहीं है। लेकिन यहां पर एक और बात बड़ी काबिले गौर है कि बहुत सारे लोग जब रूल कुद्स की, खुदा रूल कुद्स की बात करते हैं तो वो उस पर इस कि वो बेटे को जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, खुदा बाप जिसने बनी नो इंसान को पैदा किया, जिसने उसके लिए निजात के मंसूबा को पूरा किया, वो खुदा बाप को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन
हमें ये याद रखना है कि अगर हम किसी एक बात में कलाम से भी आगे निकल जाते हैं, कलाम की बातों को, उसके अहकामात को हम पीछे छोड़ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम बिदत बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे बिदती फिरके आज भी पाए जाते हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, जो सिर्फ यसु की बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ रूह कुदस की बात करते हैं कि रूह कुदस ही खुदा था, वो बाद में बेटा बन गया, बेटा चलने के बाद वो रूह कुदस की सूरत में इस दुनिया में आ गया। हमें इन चीज़ों में फ़र्क मालूम होना चाहिए, और इस पर बहुत सारे पैगामात पहले भी दिए जा चुके हैं। तसलीस पर, बिदती फ़िरकों की तालीमात पर आप इन पैगामात को सुन भी सकते हैं और इसके लिए मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करेंगे, और ये मौजू है नज़ूले रूहुल कुद्स का मौजू, कि जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है या नाजिल हुआ तो रूहुल कुद्स का हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी में क्या किरदार है। याद रखें कि जब हम लफ्ज़ पेंटिकोस्ट की बात करते हैं, हम इससे वाकिफ़ होनी चाहिए कि जब आज के दिन को ईद पेंटिकोस्ट का दिन कहा जाता है, तो पेंटिकोस्ट का लफ्ज़ जो है ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पेंटिकोस्ट से निकला है, और इसका मतलब है पचासवां। पचास का जो लफ्ज़ है उसके लिए पेंटिकोस्टा कोस्टे लफ्ज़ जो है यूनानी ज़ुबान का वो आया है पचासवां। और अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने से लेकर आज के इतवार तक दिनों को गिने, तो आज का दिन मसीह यीशु के ज़िंदा होने के बाद पचासवां दिन है, और पेंटिकोस्ट का दिन जो है पचासवें रोज़ मनाया जाता है। और ये दिन जब भी आता है मसीह कैलेंडर के मुताबिक, पेंटिकोस्ट का दिन पचासवां दिन, तो ये इतवार के दिन ही आता है। ईद सऊद जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने का दिन है, हम इस दिन को भी मनाते हैं, और अभी पिछले महीने 26 मई को ये दिन जो है इसे मनाया गया, और इस पर मैं पैगाम भी जुमेरात 26 मई के पहले अतवार जो था उससे पहले हमने सुना। पेंटिकोस्ट का दिन जो है ये यहूदियों की एक ईद है जिसे ईद पेंटिकोस्ट कहा जाता है, और पेंटिकोस्ट की ईद जो है ये पहले फलों की ईद या शुक्रगुजारी की ईद के तौर पर भी इस ईद को मनाया जाता था। तो बाद में बहुत सालों के बाद इस ईद को मूसा नबी जब वो कोहे सीना पर गए और उन्हें शरीयत दी गई, तो इस दिन के तौर पर भी कि आज के दिन शरीयत दी गई है, वो ईद पेंटिकोस्ट को जब मनाते हैं तो इस बात को भी जहन में रखकर मनाते हैं। इब्तदाई कलीसिया जब हम इमाल की किताब और उसके दूसरे बाब को पढ़ते हैं, तो हमें वो ईद पेंटिकोस्ट के दिन में एक जगह पर जमा हुई नज़र आती है, और ये लोग जो जमा थे ये 120 लोगों की जमात थी। कितने लोगों की जमात थी जी? 120 मसीही ईमानदार वो एक जगह पर जमा थे, लेकिन उनके आसपास और उनके नज़दीक जो लोग थे वो ईद पेंटिकोस्ट मना रहे थे। वो क्या मना रहे थे? वो सब यहूदी थे और वो अपने रवायत के मुताबिक वो ईद पेंटिकोस्ट को मना रहे थे। आज भी हमारी दुनिया में बहुत से और हमारे मुल्क में बहुत से चर्च हैं कि आज के दिन वो चर्च के अंदर सब्जियां, कच्ची सब्जियां वो उसको रखते हैं कि ये ईद जो है ये पहले फलों की ईद है। लेकिन आज मैं आपको ये वाजे करना चाहता हूँ कि जब से ईद पेंटिकोस्ट के रोज़ रूह कुदस नाजिल हुआ है, रूह कुदस के नाजिल होने के बाद ईद पेंटिकोस्ट के मानी मसीहों के लिए, ईद पेंटिकोस्ट के मानी ईमानदारों के लिए बदल चुके हैं। आज जब हम ईद पेंटिकोस्ट की बात करते हैं तो हम यहूदियों के ईद पेंटिकोस्ट को नहीं मनाते, हम पहले फल चर्च में लेकर नहीं आते। ईद पेंटिकोस्ट के रोज़ ईमानदारों की जमात जो 120 थी उसमें पहले फल शामिल हुए, और वो पहले फल क्या थे? कलाम में लिखा है इमाल की किताब में और उसके दूसरे बाब में कि 120 लोग जो हैं रूल कुदस के नाजिल होने से, कुवत का लिबास मिलने से, वो 120 जो हैं तब्दील हो गए, 3000 और लोग कलीसिया में शामिल हो गए। रूल कुदस जब भी कहीं पर आता है, रूल कुदस जब भी नाजिल होता है, जिंदगियों में तब्दीली आती है, कलीसिया में रूहानी बेदारी आती है। रूल कुदस जब भी जहां पर भी आता है वहां पर बरकत आती है। और यहां पर यह भी बताना चाहता हूं
के रूह उन लोगों को जो गुनाह की दलदल में फंसे और धसे हुए हैं, रूह कुदस उनको उठा खड़ा करता है। रूह गिराता नहीं बल्कि रूह उठाता है, रूह तकवीया देता है, रूह जिंदगियों को उनके शऊर को बढ़ाता है ताकि वो खुदावंद को समझ सकें। और जब हम पेंतिकोस की ईद के दिन की बात करते हैं, जब 120 की जमात एक जगह पर जमा थी, तो कलाम में लिखा है कि रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो सब गैर जुबाने बोलने लगे। और वो तो गैर जुबाने बोल रहे हैं, लेकिन जितने लोग उनके पास हैं, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि 120 की जमात वो एक जगह पर जमा है, गैर जुबान 120 बोल रहे हैं, बाकी लोग बाहर ईद मना रहे हैं। जब वो गैर जुबान बोलते हैं तो बाहर वाले ये कहते हैं कि ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं। तकरीबन 15 से 16 मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ जुबानें बोलने वहाँ बोलने वाले लोग यरूशलम में जमा थे, लेकिन जब वो लोग जो गैर जुबान बोल रहे थे, कलाम में लिखा कि जब वो बोल रहे थे तो सुनने वालों को ये लग रहा था कि ये मेरी बोली बोल रहे हैं। किसकी बोली बोल रहे हैं? है गैर जुबान, लेकिन सुनने वाले जो हैं उनको ये लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, मेरी बोली बोल रहे हैं। ये रूह कुदस का काम है कि जब गैर जुबान बोली जाती है तो सुनने वाले बरकत पाते हैं। ये नहीं कि जो गैर जुबान बोल रहा है उसको उसकी जय जयकार हो रही है कि ये बड़ा रूह से भरा हुआ शख्स है, और बंधन टूट जाते हैं। और रूह कुदस जब नाजिल होता है तो बड़े बड़े काम जिन्हें इंसान सोच नहीं सकता वो काम रूह पजीर होते हैं। ऐसे माफूकुल फितरत काम जो इंसान तवक्को नहीं कर सकता वो काम होते हैं। याद रखें, यीशु मसीह जब आसमान पर जाने वाले थे, इमाल की किताब और उसके पहले बाब में लिखा है, खुदावन का कलाम में सत खोलें, इमाल की किताब और उसका पहला बाब और पहले बाब की 6 आयत इसे पढ़ेंगे। लिखा है शागिर्दों के बारे में, पस उन्होंने यानी शागिर्दों ने जमा होकर उससे यह पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा तुम्हारा काम नहीं। वक्तों और मियादों का जानना यह हमारा काम नहीं, लेकिन कब हमें पता चलेगा, लेकिन कब हमें मालूम होगा? यीशु मसीह ने कहा, आगे लिखा है 7 आयत में, उसने उनसे कहा, वक्तों और मियादों का जाना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे। रूह कुदस के नाजिल होने से, रूह कुदस के ईमानदारों की जिंदगी में आने से क्या होता है, वो क्या पाते हैं? कुवत पाते हैं। सब बोले क्या पाते हैं? और फिर जब कुवत पाएंगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने कहा कि रूह कुदस के आने से ईमानदारों की जिंदगी में, कलीसिया में, जमात में कुवत आ जाती है और वो यीशु की गवाही देने के लिए उठ खड़े होते हैं। वही पतरस जो यीशु का इनकार कर रहा था, वही पतरस जिसने यीशु मसीह के लिए कह दिया कि 3 बार कहा मैं नहीं जानता, उसके स्लीपर पर जान देने और दफन होने के बाद वो फिर मछलियां पकड़ने की जानिब चला गया, जब रूह कुदस मिला तो वही मछेरा खड़े होकर कलाम करने लगा और लोगों को कहने लगा कि ये मैं के नशे में नहीं है, बल्कि अभी तो पहर दिन चढ़ा है। सुबह के वक्त जब दिन चढ़ता है, दिन होता है, तो उस वक्त कोई मैं या शराब नहीं पीता, ये मैं पीकर नहीं बैठे, बल्कि ये सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है इस 120 की जमात में, ये सब कुछ योएल नबी की मार्फत लिखे गए सहीफा की पेशनगोई के मुताबिक है। रूह कुदस के नाजिल होने से नबियों की पेशनगोईयां मुकम्मल हुई, रूह कुदस के नाजिल होने से ईमानदारों में, कलीसिया में तरक्की आई, लेकिन आज बहुत से लोग वो रूह कुदस के इनकारी हैं। अगर वो रूह कुदस को मानते हैं तो अपनी बातों को
सिर्फ अपने नजरियात को हवा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए रूल कुदस को मानते हैं। और आज हमारा, आज के इस दौर में सारा जो फोकस है वो रूल कुदस की नेमतों के बारे में है। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मल, परहेजगारी, ये जिंदगियों में कम है, लेकिन आज बहुत से ईमानदार जो हैं वो नेमतों की आरजू रखते हैं। मेरे जीजो, रूल कुदस जब किसी जिंदगी में आता है तो वहाँ पर फल भी नज़र आना चाहिए। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में रूल कुदस, खुदा रूल कुदस मौजूद है, तो हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी में या हमारे किरदार की तश्कील में रूल कुदस, खुदा रूल कुदस क्या किरदार अदा करता है। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि रूल कुदस का हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या किरदार है। रूल कुदस का हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या किरदार है। रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं आयत, 8वें बाब की 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, इसीलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो सब क्या है, खुदा के बेटे हैं। खुदा रूल कुदस जब वो हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम इस बात को जानते हैं कि मैंने कौन सी बात कहाँ पर करनी है और कौन सी बात कहाँ पर नहीं करनी, और अगर मैंने ऐसी बात की तो ऐसा करने से खुदा के नाम पर ठेस भी लग सकती है। और कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह रंजीदा भी होता है, वो रंजीदा भी होता है, वो गुस्सा भी कर जाता है। रूल कुदस कोई ऐसी ताकत या पावर नहीं कि चर्च में आए हैं तो साथ ही हमारे अंदर रूल कुदस आ जाए और साथ ही हम दुआ भी करना शुरू कर दें, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं हमारी ज़िंदगी जो है और हमारे काम जो है बिल्कुल फ़र्क हो। मैं अक्सर उकात बहुत सारे ईमानदारों को देखता हूं और शायद आप भी देखते हो कि उनकी रूहानी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब जिस्मानी या दुनियावी ज़िंदगी की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ये वही शख्स है जो चर्च में इतनी अच्छी दुआ करता है, ये वही शख्स है जो बड़ा अच्छा वाज करता है। कलाम में लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो सब क्या हैं, खुदा के बेटे हैं। सब बोले वो सब क्या हैं, खुदा के। रूल कुदस कभी भी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि हम चर्च में आए हैं, कलाम सुना है तो खुदा का रूह हमारे साथ ज़बरदस्ती करेगा, चलो अभी आज कलाम सुना है हुणे बपतिस्मा लो। खुदा का रूह हमें मसीह तक लेकर जाता है और खुदावन खुदा उसका रूह कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि आज आपने अगर मसीह यीशु को कबूल कर लिया है तो उसके बाद अगर आपने कुछ बुरा किया तो उसी जगह पर आपको मार देगा। ये फजल का दौर है, लेकिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमें ये ज़रूरत है कि हम दुआ करें। बहुत से ऐसे ईमानदार हैं जो चर्च में आने के लिए तो दुआ करते हैं, जो दूसरे कामों के लिए, जो ज़िंदगी के उनके काम हैं उसके लिए खुदा के ज़ुर में दुआ करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों के लिए वो खुदावन से रहनुमाई नहीं चाहते। इस वजह से ख़ानदान, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं। हमारे रोज़ के जो फ़ैसले हैं उसमें हम रूह की आवाज़ को नहीं सुनते, उसमें हम खुदावन को अपनी ज़िंदगी का खालिक और मालिक नहीं जानते। आज हमें ये ज़रूरत है कि जैसे कलाम में लिखा है कि जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में नहीं बल्कि दुनियावी या जिस्मानी ज़िंदगी में भी खुदा रूल कुछ की मर्ज़ी को जानें। और कब जानेंगे, आज इसका गुर भी आपको बताना चाहता हूँ। हम दुआ करते हैं, आते हैं सुबह हो शाम हो, आते हैं दुआ करते हैं। बहुत से लोग तो शाम में, रात में दुआ करते हैं बिस्तर पर बैठ कर, और बिल्कुल नींद आ रही होती है, शायद मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले, उसका इस्तेमाल बंद करने से पहले बिस्तर पर बैठते हैं और बैठकर दुआ करते हैं। दुआ करते करते बहुत सों को नींद आ जाती है, वहीं पर लेटकर आंखें बंद कर लेते हैं। दुआ के बाद
ज़रूरी यह है कि कुछ वक्त खामोशी और संजीदगी में खुदावंद की आवाज़ को सुने। वो ज़रूर आपसे हम कलाम होगा, वो आपके जहन में ऐसी बात ज़रूर डालेगा, वो आपके ख्यालों में आपसे महवे गुफ्तगु होकर आपको ज़रूर बताएगा कि जो कुछ आप मांग रहे हैं, जो कुछ आप खुदावंद से चाहते हैं, उसके लिए खुदावंद की मर्जी क्या है। आज हम एक लंबी फहरिस्त खुदावंद को दे देते हैं, आज हम अपनी सारी बातें उससे कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो हम अपनी आंखें खोल के या तो अपने मामूल के कामों में लग जाते हैं या सो जाते हैं। हम गाते तो हैं, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। हफ्ते में एक मरतबा अतवार की इबादत में हमारे लिए वक्त होता है कि हम कलाम को सुने, लेकिन हम कलाम नहीं सुनते। आज हमारे पास मौके हैं कि हम रूह की हदायत को सुन सकते हैं। हमारे पास ज़राए हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, किसी भी मौजू पर जब चाहें हम कलाम सुन सकते हैं, हम रूह की हदायत पा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेते। इस वजह से हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी परेशानियाँ और मसाइल हमें लाहक होते हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में खुदा रूल कुछ की आवाज़ को सुने। दूसरी बात जो खुदा रूल कुदस जब हमारी ज़िंदगी में होता है या हमारी ज़िंदगी में जब आता है तो जिस बात के लिए और जिस काम के लिए हमें तैयार करता है वो है रूहानी मकसद। और रूल कुदस जब खुदावंद खुदा अपने बंदों के वसीला से हम कलाम होता है और वो रूह की हदायत से कलाम सुनाते हैं तो रूह हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम मसीह यसु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। क्या करें? मसीह यसु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत, मशहूर ज़माना आयत है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने क्या किया उसे, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। जब रूल कुदस कलाम करता है, जब वो खादमों के वसीला हमसे हम कलाम होता है तो उसका एक जिंदगी के लिए, एक गुनाहगार के लिए मकसद होता है कि वो मसीह यसु को अपना शख्सी निजात दहिंदा क्या करे, कबूल करे। सब बोले क्या करे। लेकिन आज जब खुदावंद अपने बंदों के वसीला से हम कलाम होता है, रूल कुदस से भरे हुए खादमीन जब कलाम पेश करते हैं और वो कहते हैं कि आज आपको अपनी ज़िंदगी यसु को देने की ज़रूरत है, आज आपको अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है, तो हम उस आवाज़ को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अपना कान नहीं लगाते, उस पर अमल नहीं करते। अगर हम अमल नहीं कर रहे, हमने यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और हम आज भी रवायतों में फंसे हैं, मेरा फलां रिश्तेदार, मेरा बाप, मेरा दादा, उसने ये बताया था कि हम मसीह हैं, हम फलां पुश्तों से मसीह हैं, हमें मसीह यसु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत नहीं, हमें उसके हुक्मों को पूरा करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो असल में हम किसी मिशन की, किसी शख्स की तालीम का इनकार नहीं कर रहे, बल्कि हम रूल कुदस की आवाज़ जो हम तक पहुंच रही है, उसकी मर्जी जो हम पर जाहिर हो रही है, हम उसका इनकार अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। और ज़बूर नवीस से कहता है ज़बूर 95 में कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जितने उसे कबूल करते हैं रूह की आवाज़ को सुनकर, वही खुदा के फर्जंद बनते हैं। बगैर रूल कुदस के कोई भी मसीह के पास नहीं आ सकता। और कलाम में लिखा है कोई, मसीह यसु ने कहा कोई बाप के पास नहीं आ सकता जब तक बाप उसे खींच नहीं लेता। बेटे के अंदर ये ताकत मौजूद है कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी। जब हम उसका नाम लेते हैं, हम उसके कफारे पर ईमान लाते हैं और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, तो ये कब होता है?
जब हम किसी जगह पर कलाम सुनते हैं, जब कोई खादम हमें बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में गुनाह आलूदा फितरत को छोड़ने की ज़रूरत है, तब ही हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। लेकिन आज बहुत से ऐसे हैं जो रूह की इस आवाज़ को सुनते तो हैं लेकिन यीशु को अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल नहीं करते। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि रूल कुछ जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो उसका किरदार हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। ये तीसरा जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए है जो मसीह यीशु का अपना शख्सी निजात दिंदा कबूल कर चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा हासिल कर लिया है, जो खुदावंद की मेज़ में भी आते हैं, लेकिन एक बात की कमी उनकी ज़िंदगी में है और वो ये कि रूह का फल उनकी ज़िंदगी में नहीं है। क्या चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं है? रूह का फल। और इसके लिए खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है गलतियों की कलीसिया को लिखे गए खत उसके पाँचवें बाब की 22वीं आयत में, मेरे साथ देखिए गलतियों का खत उसका पाँचवा बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, गलतियों 5 बाब और उसकी 22वीं आयत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ? आप अगर इन सारे कामों को किसी इस्लामी मुल्क में, यहूदी मुल्क में या किसी बुद्ध मत के मानने वाले लोगों में करें तो वो भी कहेंगे कि अच्छे ही काम हैं। लेकिन जब ईमानदारों की बात की जाती है, जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं कि मैं रूहानी शख्स हूँ, खुदा रूह कुदस के वसीला से मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, रूह कुदस मुझे मिला है, वो मेरी रहनुमाई करता है, लेकिन अगर ज़िंदगी में फल नहीं है जिसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, तहम्मल और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं, अगर वो चीज़ें उस शख्स की ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि उसने खुदा रूल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका नहीं दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि खुदा किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। जब खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलता है तो वो हमें दावत देता है। कलाम में लिखा है कि रूह खुद आहें भर भर कर शिफात करता है। हमें किस तरह बाप से मांगना चाहिए, खुदा रूह कुदस हमें दुआ करना सिखाता है, वो हमें अल्फाज देता है, वो हमें झुकना बताता है। लेकिन जब हम सब बातों को सुनकर भी जिंदगी में मोहब्बत को नहीं अपनाते, तहम्मल, हिल्म, परहेजगारी, नेकी, ईमानदारी, ऐसे कामों को नहीं अपनाते, तो ऐसी सूरत में भी हम खुदा रूल कुदस का इनकार कर रहे होते हैं। कलाम में लिखा है ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में देखा और शायद शायद आपने भी देखा हो कि लोग वो गैर ज़ुबान भी बोलते हैं, नबूवत भी करते हैं, रोया की बात भी करते हैं, लेकिन जब मोहब्बत की बात आती है, हिल्म की बात आती है, ईमानदारी की बात आती है, तो उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें मौजूद नहीं। क्लेम करने वाले शायद उनमें से बहुत सारे खुदा के खादिम हैं, लेकिन आए रोज़ हम सुनते हैं कि हज़ारों लाखों रुपए चर्च में से ले लिए गए। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ईमानदार तो कहते हैं लेकिन चर्च का पैसा खाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ईमानदार तो कहते हैं लेकिन उनकी कलीसिया में लड़ाई और झगड़ा है। क्यों? क्योंकि रूह का फल ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। दूसरी रूहानी बात जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में होता है तो वो ये हमारे अंदर पैदा करता है कि हमारे अंदर रूह का फल पैदा हो। तो ये रूह का फल पैदा कैसे हो सकता है? यीशु मसीह ने इसके लिए तरीक़ाकार, गुर और कुलिया जो बताया, और वो ये है कि जो डाली मुझ में है, मुझ में कायम है, कायम रहती है, वो बहुत सा क्या लाती है? फल लाती है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो फल नहीं लाती, और फिर क्या होता है? वो सूख जाती है, उसे काट दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है? आग में झोंक दिया जाता है। रूह का फल ज़िंदगी में आने के लिए ये है कि हम मसीह के साथ भी पेवस्त रहें। और मसीह के साथ कब पेवस्त रहेंगे? हदिये देकर नहीं,
चंदे देकर नहीं, पादिसबान को ज़्यादा पादिसबान को घर में बुलाकर दुआ करने से नहीं, तब जब हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, वो बातें जो इस कलाम में लिखी हैं, जो यसू ने कहा, हम उन बातों पर अमल करेंगे, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, तो हम मसीह में कायम रहेंगे और खुदा रूह कुदस कायम रहने में हमारी मदद करेगा। और फिर रूह का फल मसीह में कायम रहने से, उसमें पेवस रहने से हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। चौथी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि जब खुदा रूह कुदस हमारी ज़िंदगी में मौजूद होता है तो वो हर दिन में हमें तकवीयत देता है कि हम उस दिन को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें। दिन को कैसे गुजार सकें? खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। कलाम में लिखा है, और हम जानते भी हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, कलाम में लिखा है कि ऐसे शरीर लोग होते हैं जो रात को बिस्तर पर लेटे हुए शरारत आजाद करते हैं और जब सुबह होती है तो उसे अमल में ले आते हैं। जब हम रात को ये सोच कर सोते हैं कि खुदावंद मैंने सुबह का दिन तेरे साथ गुजारना है और उस दिन का आगाज़ भी खुदावंद का नाम लेकर करते हैं, तो फिर खुदा का रूह उस दिन में और हर दिन में हमें तकवीयत बख्शता है। वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि किस तरह हमने अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में बसर करना है। इफ़सियों का खत उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे। इफ़सियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो रूह से हमें ये तौफीक बख्शेगा, अपने जलाल के वसीला से, रूह के वसीला से ये तौफीक बख्शेगा कि हमारे अंदर जो हमारी अंदरूनी इंसानियत है, बातनी इंसानियत, हम उसमें ज़ोर आवर हो जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और मिलेंगे जो शायद मुंह से तो बड़ा खुदावंद का नाम लेते हैं लेकिन उनके दिल में दूसरों के लिए नफ़रत, उनके दिल में दूसरों के लिए बुग्ज़ मौजूद होता है, वो उनके लिए शरारत की ईजाद कर रहे होते हैं। कलाम में लिखा है कि जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, उसका जलाल हमारी ज़िंदगी से छलकता है तो फिर हमारी बातनी इंसानियत जो है, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा जोरावर होते जाते हैं। याद रखें, इंसान ज़ाहरी सूरत पर गौर करता है लेकिन खुदावंद हमारे अंदर झांकता है और वो देखता है कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन आज हम नामी मसीह, दिखावे वाले मसीह तो बन चुके, लेकिन हमें ये चाहिए कि रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें ताकि हम तकवीयत पाएं। हमारा सिर्फ अतवार का दिन, अतवार की इबादत, एक डेढ़ घंटा, दो घंटा सिर्फ वही खुदावंद के साथ ना गुजरे बल्कि हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा हफ्ता, हमारा पूरा महीना, पूरा साल और पूरी ज़िंदगी खुदा रूह कुदस की हदायत और रहनुमाई में गुजरे। ऐसे बहुत सारे मौके आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब शायद लोग सामने खड़े होकर आपको बुरा भला कहेंगे, वो आपको गाली देंगे, वो शायद आपके लिए बुरा सोचेंगे, लेकिन अगर आप उनको गाली के बदले गाली नहीं देते, अगर आप उनके साथ बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है और आपने उसे काम करने का मौका दिया और वो आपको तकवीयत दे रहा है कि आप माफ़ करें, वो आपको तकवीयत दे रहा है कि आप उसके लिए बरकत चाहें। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो और अपने सताने वालों के लिए क्या चाहो? बरकत चाहो। ये काम करना मुश्किल है लेकिन जो शख्स ये काम करता है, हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स वाकई ही रूह कुदस की हदायत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहा है। पांचवी बात जिस पर हम गौर करेंगे कि रूह कुदस का हमारी रूहानी, दुनियावी या जिस्मानी ज़िंदगी में क्या किरदार है, वो ये कि रूह कुदस हमें ये तौफीक बख्शता है कि हम खुदा के कलाम को याद रख सकें। क्या कर सकेंगे? खुदा के कलाम को। मैं उस यादगारी की बात नहीं कर रहा या उस याद करने की बात नहीं कर रहा जो रट्टा लगाना है, जिसे आज बहुत सारे गैर मसीह झूठे
फसादी उलमा ने लगा लिया जैसे रटा, और वो जब स्टेज पर खड़े होते और कहते हैं कि जी फलानी अंजील के फलाना वर्का और उसके ये साइड पर ये लिखा है, मैं उस रटे की बात नहीं कर रहा, ये वो बात है जिसके बारे में बंदा सबूत भी से कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि क्या ना करूं तेरे खिलाफ। रूल को दस हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा के कलाम को याद रख सकें। अक्सर उकात मुझे अपनी ज़िंदगी में तजर्बा कलाम सुनाते हुए होता है, कलाम सुनाने से पहले जो तरीक़ाकार खुदा के खादम अपनाते हैं कि वो कलाम सुनाने से पहले 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले तैयारी करना शुरू करते हैं कि मैंने सुनाना क्या है, तैयारी करके कलाम को सुनाते हैं। अब अक्सर अवकात मुझे अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा हुआ कि कलाम पेश करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे हवाला जात जिनकी तैयारी नहीं की, जो आउटलाइन में शामिल नहीं, जब कलाम पेश किया जाता तो ऐसे बहुत सारे हवाला जात खुदावन जहन में डालता और वो ज़ुबान पर आते हैं, ज़िंदगियों तक पहुँचाए जाते हैं, और ऐसा करने से ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं। रूल कुदस हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में याद रख सकें, क्या कर सकें, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में याद रख सकें। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब और उसकी 26वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया इसके बारे में, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और 26वीं आयत खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मददगार यानी रूल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो क्या करेगा, तुम्हें सब बातें, और आगे लिखकर जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो सब क्या करेगा तुम्हें, जब हमें याद आ जाए कि ये काम गलत है और कलाम में लिखा है, तो खुदा की आवाज को कभी भी नजरअंदाज ना करें। अक्सर उकात हम किसी राह पर जाने लगते हैं पर हमें यह महसूस होता है कि मैं यहाँ पर ना जाऊँ, और पता चलता है कि वहाँ पर जब नहीं गए तो उस रास्ते में बहुत बड़ी तो परेशानी आ गई, कहीं जा उस गाड़ी पे बैठ रहा था उसमें उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या उस रास्ता पर जाना था वहाँ पर ये मसला हो गया। याद रखिए, जब हम दुआ करके खुदा की रहनुमाई को हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं तो रूल कुछ हमें याद दिलाता है, वो हमें खुदा के वादे भी बताता है, वो कलाम की बातें भी हमें बताता है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, ख़ास तौर पर जब हमारा सामना अबलीस से हो, ख़ास तौर पर जब हमारा सामना अबलीसी ताकतों और कुवतों से हो, तो फिर खुदा रूल कुछ वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमने अबलीस को, हमने उस शख्स को जो कलाम के ख़िलाफ़ जा रहा है, अबलीस जिस शख्स में समा चुका है, वो जो कलाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, हमने उसे कैसे और क्या जवाब देना है, ये सब कुछ रूल कुदस की कुदरत के वसीला से हमारी ज़िंदगी में होता है। और खुदावंद का कलाम ये बयान करता है, यीशु मसीह ने कहा कि जब रूल कुदस आएगा जिसे मेरे बाप ने भेजा होगा वो सब बातें क्या करेगा, पहली बात तुम्हें सिखाएगा, क्या करेगा तुम्हें, और दूसरी बात लिखी है याद भी दिलाएगा। ये रूल कुदस की कुदरत है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसके काम हैं जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि हमें सिखाता भी है और याद भी दिलाता है, पुरानी बातें भी बताता है। क्यों आज जब हम कलाम की बात करते हैं तो हम पुराने अहदनामा को खोलते हैं, वो हमें याद दिलाता है कि पुराने लोगों ने ऐसा किया तो उनके साथ ऐसा हुआ, जो चलते रहे उन्हें बरकतें कैसे मिली। रूल कुछ हमें सिखाता भी है और हमें याद भी दिलाता है। छठी बात रूल कुदस का हमारी रूहानी ज़िंदगी में जो किरदार है वो ये कि वो खुदा की बातें, किसकी बातें, खुदा की बातें हम पर जाहिर करता है। ये नहीं कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी के हमने ये कदम उठाएं या ना उठाएं, घर बनाएं या ना बनाएं, बच्चे का रिश्ता वहाँ पर करें या ना करें, ये चीज़ खरीदें या ना खरीदें, उस राह पर जाएं या ना जाएं, सिर्फ ये नहीं कि रूल कुदस हमारी दुनिया के कामों में हमारी रहनुमाई करता है, बल्कि वो खुदा की बातें, और आए देखें कि वो कौन सी बातें हैं खुदा की जो हम पर जाहिर करता है। पहला करंथियों उसका 2वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत, पहला करंथियों उसका 2वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे।
पहला करिन्थियों उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत खुदावन के कलाम में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, जो चीज़ें किसने ना देखी, जो ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी, किसने ना सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए, वो सब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, रूह कौन सी बातें, थोड़ी नहीं, कलाम में लिखा है रूह कौन सी बातें, सब बातें, बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। जो खुदा की तय की बात है, खुदा की मर्जी क्या है, क्या मैं इस शख्स के लिए दुआ करूं, क्या मैं इसके लिए खुदावंद के हुजूर में जाऊं, क्या मुझे कलाम की ये बात जो लोगों तक पहुंचानी है इसकी तशरीह और तफसीर ऐसी ही है, खुदावंद की मर्जी इस जिंदगी के लिए क्या है। कलाम में लिखा है कि रूल कुछ खुदा की तय की बातें, कौन सी बातें, खुदा की, जिसे कोई इंसान नहीं जान सकता, रूल कुछ वो भी हम पर जाहिर कर देता है। और आज खुदा के खादम जो रूल कुछ से मामूल है, जिनकी जिंदगियों में खुदा रूल कुछ काम करता है, वैसी बहुत सारी बातें, वैसे बहुत सारे भेद जब खोल कर बयान करते हैं और यहाँ करते हैं, तो शायद हम में से बहुत सौ को लगता है कि आज का कलाम में नहीं है, आज की बातें जितनी भी की गई शुरू से लेकर आखिर तक ये सब मेरे लिए थी, ये बात जो की गई आज मुझे इस बात की जरूरत थी, क्योंकि वो बातें करने वाला शख्स मुंह तो किसी खादम का हो सकता है, लेकिन बीच में बोलने वाला कौन होता है, खुदा। रूल कुछ होता है जो खुदा की बातें, बल्कि कलाम में लिखा है तय की बातें हम पर जाहिर कर देता है। 7वीं और आखिरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये कि रूल कुछ जब हमारी जिंदगी में आता है तो रूल कुछ हमारी जिंदगी को खुदा की खिदमत के लिए तैयार करता है। रूल कुछ किस काम के लिए तैयार करता है, खुदा की, सब बोले, किसके लिए तैयार करता है, खुदा की खिदमत के लिए तैयार करता है। अभी हमने आयत पढ़ी इमाल की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत, यीशु मसीह ने कहा कि जब रूल कुदस नाजिल होगा तब यरूशलम, यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक क्या होगे, तुम मेरे गवाह होगे, क्या होगे मेरे, लेकिन कब होगे, तब नहीं जब बपतिस्मा ले लिया, तब नहीं जब पाक शराकत ले ली, तब नहीं जब सेमिनरी कर ली, जब रूल कुदस जिंदगी में काम करेगा तो तब ऐसा होगा। और आज बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं, शायद सेमिनरी करना बड़ी अच्छी बात है, मैंने खुद भी की, कि शायद मैंने सेमिनरी कर ली, मैं एक बड़े अदारा से पढ़ाया, मुझे बड़ी बातें पता चल गई और अब बाइबल उठाकर मैं चला जाऊंगा। याद रखें, अगर खुदा की मर्जी नहीं, अगर खुदा का रूह आपकी रहनुमाई नहीं कर रहा तो आप उसकी खिदमत नहीं कर सकते। एक साल तो क्या, एक मिनट के लिए भी आप खड़े होकर उसका कलाम नहीं सुना सकते, क्योंकि खिदमत के लिए तैयारी जो है वो खुदा रूल कुछ बख्शता है। यीशु मसीह ने जब ये बात बताई कि जब रूल कुदस नाज़िल होगा तो तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, तो कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि पहले काम यरूशलम से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पर वो मौजूद थे वो शहर यरूशलम था। यीशु मसीह ने कहा कि काम यरूशलम से शुरू होगा, उसके बाद यहूदिया में जो पास का इलाका है, उसके बाद उसे अगले इलाका में जो सामरी है, और फिर चौथी बात जो कही, फिर जमीन की इंतहा तक। लेकिन कब, जब रूल कुदस क्या होगा, नाजिल होगा। सब बोले रूल कुदस क्या होगा, कोई भी खादम अगर वो रूल कुदस का इनकारी है, अगर वो रूल कुदस को नहीं मानता, वो उसकी कुदरत पर यकीन नहीं रखता, वो रूल कुदस को खुदा नहीं मानता, वो तस्तरीस का तीसरा अकनूम उसे नहीं मानता, तो वो खिदमत भी नहीं कर सकता। उसकी खिदमत शायद उसका वाज हमें वाज लगे, लेकिन वो एक तकरीर होगी। अगर उसकी ज़िंदगी में, उसकी खिदमत में रूल कुदस की मर्ज़ी नहीं है तो उसकी खिदमत कभी भी फलदार नहीं हो सकती। रूल कुदस हमारी ज़िंदगी को खिदमत के लिए तैयार करता है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि खिदमत सिर्फ ये नहीं कि चर्च में जो पादरी साहब खड़े होकर कलाम सुनाते हैं वही खिदमत कर रहे हैं। अगर आप चर्च में साज बजाते हैं, क्वायर में हैं, दुआ करते हैं, प्रसिश करते हैं,
चर्च के एल्डर हैं, चर्च को साफ करते हैं, हदिया को जमा करते हैं, रुपए पैसे को जो चर्च में दिया जाता है उसे इस्तेमाल करते हैं, इन सब कामों को करने के लिए मुझे और आपको खुदा रूल कुछ की जरूरत है। और आज मैं इस बात को भी वाजे कर देना चाहता हूं कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदा का रूह हमारी जिंदगी में आ जाता है, लेकिन हर रोज जब हम उसमें अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो रूह की मामूरी हमारी जिंदगी में आती जाती है। क्या आती जाती है? रूह की। आज अगर आप ईमानदार हैं, आपने यीशु मसीह को कबूल किया, कबूल करने के बाद बपतिस्मा लिया, आप उसमें चल रहे हैं, आप उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, आप पाक्षराकत में भी आते हैं, चर्च में आते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, आपकी रूहानी जिंदगी अच्छी है, तो दुआ करें कि खुदावंद आपको रूल कुदस की मामूरी बख्शे। कलाम में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि वो अपना रूह वापस नहीं ले लेता। पुराने अदरमा में ऐसा होता रहा कि जब रूह किसी पर नाजिल होता तो रूह जुदा भी हो जाता था। सऊल बादशाह के बारे में पता चलता है कि जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा का रूह से जुदा हो गया और एक बुरी रूह आकर उसे सताने लगी। क्या करने लगी? एक बुरी रूह से आकर। अगर आज भी कोई ईमानदार वो बपतिस्मा लेने के बाद, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने के बाद बहक जाता है और दुनिया में चले जाता है, वो बुरे काम करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रूह कुदस की रहनुमाई में कर रहे हैं। कोई बुरी रूह में बैठी है जो उससे ऐसे काम करवा रही है। ज़रूरत है कि उस बुरी रूह को निकाला जाए यीशु के नाम से और उसके लिए रूह कुछ मांगा जाए ताकि वो रूह की मर्जी में अपनी ज़िंदगी को बसर करे। जब किसी में बुरी रूह होती है तो बुरी रूह क्या काम करवाती है? कलाम में लिखा है, जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं नए अहदनामा में, जब यीशु मसीह गरासीनियों के इलाके में गए तो बुरी रूह ने क्या काम करवाया? पहली बात तो ये कि वो शख्स लोगों से, वो दुनिया से अलहदा रह रहा था, रूह ने उसे लोगों से अलहदा कर दिया उस बुरी रूह ने। और उसके बाद क्या किया कि वो नंगा फिरता था, उसके कपड़े उतार दिए। और तीसरी बात वहाँ पर लिखी है कि वो दिन रात कब्रों में रहता था। है वो जिंदा लेकिन मुर्दा लोगों में, बुशीदगी में रहता है। जब किसी में बुरी रूह होती है तो वो कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब किसी में बुरी रूह होती है तो वो कलीसिया से दूर रहता है, वो अपने आप को दुनिया के सामने अयां कर देता है, वो लिबास उतारने को अपनी बेइज्जती नहीं समझता। लेकिन जिसमें खुदा का रूह होता है वो कलीसिया में शामिल हो जाता है। और कलाम में लिखा है इमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में और उसकी 41वीं आयत में कि पस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया ईद पेंतिकोस के बाद, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी रोज़ 3000, कितने? 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने, दूसरी बात रफाकत रखने, तीसरी बात रोटी तोड़ने यानी पाक्षराकत में आने, और चौथी बात दुआ करने में मशगूल रहे। जिस जिंदगी में रूह कुद्दस मौजूद है वो रफाकत में रहता है, वो तालीम हासिल करता है, वो रोटी तोड़ने में शामिल होता है, वो दुआ करने में शामिल होता है, कलीसिया के साथ मौजूद होता है। रूह कुद्दस जब किसी ज़िंदगी में आता है तो वो लोगों से उसे जुदा नहीं करता बल्कि उसे कलीसिया में शामिल कर देता है। आज मेरे जीजो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करते। कलाम में लिखा है कि रूह रंजीदा भी होता है। क्या होता है? रूह रंज होता है, उससे गम भी होता है। रूह जब रंजीदा होता है तो वो खामोश हो जाता है ज़िंदगी में। अगर आप ईमानदार हैं, आपको रहनुमाई हासिल नहीं हो रही रोज़मर्रा के मामलात में, दुनियावी मामलात में, रूहानी मामलात में आपको रहनुमाई हासिल नहीं हो रही, तो ज़रूर अपना जायज़ा लें कि क्या आपके अंदर खुदा का रूह मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो कलाम में लिखा है कि दरख्त कैसे पहचाना जाता है? अपने फल से पहचाना जाता है। लोग भी देखकर कहेंगे कि वाकई ये शख्स एक रूहानी शख्स है, ये दुआगो शख्स है, इसका किरदार, इसकी ज़ुबान, इसका गुफ्तार, इसका बोल चाल ये ज़ाहिर करता है कि एक रूहानी शख्स है। आज मेरे अज़ीज़ों, हमने 7 बातों पर गौर किया कि रूह कुद्दस का हमारी ज़िंदगी में, हमारे किरदार में क्या, उसके हमारे किरदार की तश्कील में क्या काम है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक बात की कमी है तो कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा,
ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते क्या किया जाएगा। लिखा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है तुम्हें रूल कुछ क्यों ना देगा। हम अपने लिए रूल कुछ की मामूरी नहीं मांगते, हम खुदा की मर्जी को जानना ही नहीं चाहते, हम उसकी मर्जी को जानकर अपनी जिंदगी को बसर नहीं करते। अगर हम ऐसा करना शुरू करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद अपनी मर्जी को हम पर जाहिर ना करे। आज नज़ूले रूल कुछ का दिन है, आज कलीसिया की सालगिरह का दिन है, आज के दिन में कलीसिया कायम हुई। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, उस जगह पर जब रूल कुछ नाजिल हुआ पहले 120 से 3000 हो गए, 5000, और अब तो तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब शायद हम उसे गिन नहीं सकते। ये सब कुछ रूल कुदस की कुदरत के वसीला से हुआ। आज भी खुदा रूल कुछ वो हमारी ज़िंदगी में आकर हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमारी सफ़ों को बढ़ाना चाहता है, वो ख़ानदानों में, वो शख्सी ज़िंदगी में बरकत देना चाहता है, लेकिन हम उसके लिए दुआ नहीं करते, हम उसकी मामूरी के लिए दुआ नहीं करते। बड़े अच्छे गीत हम गाते हैं, रूह पाक की सब बरकतें मेरी ज़िंदगी में उतार दे, बड़ा अच्छा गीत है। हम उनके लिए दुआ नहीं करते क्या खुदावन मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत आए, तहम्मल आए, परहेजगारी आए। अगर हम इन चीज़ों को मांगेंगे तो रूह का फल जो हमारी ज़िंदगी में है जब लोगों पर ज़ाहिर होगा तो फिर खुदावन के नाम को भी जलाल मिलेगा। आज मेरी खुदावन से दुआ है कि खुदावन इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, और रूल कुछ जो हमारे किरदार रूहानी और दुनियावी किरदार में तश्कील का काम करता है, हम रूल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें। ईद नज़ूले रूल कुद्स आप सबों को मुबारक हो। खुदा का कलाम हमारे लिए बाबरकत हो। आमीन।